मेजा जेवनिया के कुंवरपट्टी में वर्ष 2008 से मां शीतला कृपा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष 29 जनवरी से 2 फरवरी तक मां शीतला कृपा महोत्सव को भव्य रूप दिया गया है, जिसमें कई नामचीन हस्तियां कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये बातें भाजपा मेजा विधानसभा के संयोजक इंद्रदेव शुक्ला ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत मेरे पिता दूधनाथ शुक्ला ने किया था। इस बार का मां शीतला कृपा महोत्सव के पहले दिन भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को भजन संध्या कार्यक्रम में सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, सांसद व भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी सुप्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी आदि के द्वारा मां शीतला के चरणों में अपने मुख से मां की महिमा का बखान करेंगे। 1 फरवरी को यज्ञ एवं अनुष्ठान समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि 2 फरवरी को हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म के रक्षक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बागेश्वर सरकार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परिसर में दरबार लगाकर जनहित के लिए अर्जी लगाएंगे। हमारे यहाँ माँ शीतला कृपा महोत्सव 2008 से चल रहा है, उसमें 5 दिन का कार्यक्रम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म के रक्षक, सनातन के रक्षक, सनातन के पुरोधा, हम सबके बीच में 2 फरवरी को 12 से 3 का समय दिया है आशीर्वचन देने के लिए हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए। क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम माँ शीतला कृपा महोत्सव है हमारे यहाँ। 29 जनवरी को हमारे यहाँ कलश यात्रा है, पूजन है, और 30 तारीख को देवी जी का अभिषेक पूजन का कार्यक्रम है, 31 तारीख को देवी जी का पूजन है, अभिषेक है और जागरण है। अब बाबा जी आएंगे तो कितने लोगों की व्यवस्था की गई और वो क्या कार्यक्रम करेंगे? 1,00,000 से ऊपर के लोगों की व्यवस्था की गई है। वहाँ कथा कहेंगे, आशीर्वचन देंगे, बालाजी का दिव्य दरबार सजेगा। मतलब लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अब बालाजी का जब दिव्य दरबार सजेगा तो जो भी कष्ट होगा लोगों को वो अपना निवारण करेंगे। महाराज आने का कोई परमिशन मिला आने का जो है आप कार्यक्रम पहले से तय था या अभी जब वो चर्चा में आए तो आपने? नहीं, चर्चा में तो वो चर्चा तो आप लोग नागपुर के कार्यक्रम से आप लोग उसके बाद से आरंभ हुई, लेकिन हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। उनके आने का आग्रह हम लोग पहले से किए थे। परमिशन मिल गई। साथ ही भारत को विश्वगुरु बनाने और रामचरितमानस की महिमा का बखान कर लोगों को भक्ति के रस में ओतप्रोत करेंगे। श्री शुक्ला ने अंत में कहा कि मैंने सदा मेजा क्षेत्र और यमुना पार के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। समाज सेवा और धर्म के प्रचार की प्रेरणा मुझे अपने पूर्वजों द्वारा धरोहर स्वरूप मिली है। इस परंपरा को मैं सदैव निभाता हूँ और निभाता रहूँगा। हम आस्था के व्यक्ति हैं, सनातन को मानने वाले हैं, तो हमारे संत हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, तो हम इस पर कोई बात नहीं कह सकते। हमारे लिए वो एक संत हैं, संत को प्रणाम हमेशा हम लोग करते हैं। हम माँ शीतला कृपा महोत्सव करते हैं, साल में 4 बार यज्ञ करते हैं हम, चैत के नवरात्र में, कुवार के नवरात्र में और सावन में महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं। तो हमारे पिताजी ने संतों का विशेष पूजन और वंदन करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारी माँ भगवती के उसमें लिखा गया कि संतन सुख सेवा है जगदेवा, तो हम संतों की सेवा करते हैं। हमारे लिए वो संत हैं, अवादरणीय हैं, वंदनीय हैं, संत भगवान स्वरूप होते हैं। अच्छा, पहले से जानते थे क्या ये? जी बिल्कुल, हम संपर्क में रहे हैं, हम बराबर प्रणाम करते रहते हैं। हम जितने भी भारत के संत हैं सबको प्रणाम करते रहते हैं। तो जो इस कार्यक्रम में भाई साहब सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी आ रहे हैं और कल्पना पटवारी जी आ रहे हैं। ये लोग जागरण की व्यवस्था है, जागरण करेंगे, भगवान का, माता रानी का दर्शन करेंगे। हमेशा से आते रहे हैं माननीय मनोज तिवारी जी। नाम बताइए। मैं इंद्रदेव शुक्ला, राजू शुक्ला। बाबा ने अभी हिंदू राष्ट्र की वकालत की है, उसका काम भी कर रहे हैं, योगी जी से ही मिलेंगे, तो किस तरह से देखते हैं? होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम लोग हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। बाबा जी ने तो एकदम हम लोगों के सभी सनातनियों का सर ऊंचा कर रखा है। जो घर वापसी का उनकी जो उनका कार्यक्रम चल रहा है उससे हम लोग सभी सहमत हैं। नाम बोल दिए।